ये भाग तू रहा है? ओ बेटा, आज तूने फिर अंडा चुराया है, इसलिए मुर्गियों का झुंड तेरे पीछे आया है। अब जब चोरी कर ही ली है तो खुद को बहुत तेज भगाओ और मुर्गियों से खुद को बचाओ। लल्लन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है लेकिन मुर्गियों को चैन ही नहीं आ रहा है। और ये पीछा करती हुई मुर्गियों ने बहुत जोर से ब्रेक लगाया और सोचा लल्लन हाथ हवा में क्यों घुमा रहा है। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? क्योंकि बेटा जमीन खत्म हो गई है। बच गया, शायद नहीं बचा। और ये चट्टान से लल्लन पेड़ की डाल पे आया, अंडा उछल गया, फिर पेड़ की डाली से केक्टस को तोड़ा, फूल को उखाड़ा और ऐसी जंप लगाया कि गोल गोल घूमकर सीधा जमीन पर आया। आहा, फूल जैसा लल्लन। वाह, मेरा अंडा बच गया। अब मैं ऊपर जाऊंगा और अंडा खाऊंगा। यहीं से ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा, जाना ही पड़ेगा। अब लल्लन ने पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी है और बड़ी तेजी से जा रहा है, लेकिन मुझे पता था जिस तेजी से जा रहा है बहुत जल्दी थक जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में चट्टान के ऊपर तो चढ़ जाएगा। और ये चढ़ गया। और कितना ऊपर है? अल्लाह, इस कैक्टस पे भी चढ़ना पड़ेगा। ये भूकंप सा क्या आ रहा है? अच्छा, तो ये तीनों आए हैं, बहुत ऊंची छलांग लगाए हैं। ये पुतन, ये जुम्मन और ये बब्बन। आज जिस तरह से ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेल दिखा रहे हैं। कभी चट्टान से तो कभी उस चट्टान से खुद को हवा में उड़ा रहे हैं। और यहाँ लल्लन बड़ी जद्दोजहद के बाद कैक्टस पर चढ़ी गया। हैला, अंडा कहाँ गया? हैला, वो तो उस वाले पे है। अब मैं क्या करूँ? आज तो जुबान भी बाहर नहीं निकल रही। निकल। बेटा लल्लन, आज चाहे जितनी जुबान चला ले, मुझे लगता है अंडा तेरे हाथ नहीं आ पाएगा। और एक बार फिर लल्लन ने की जी तोड़ कोशिश। मुर्गिया भी हैरान है, लेकिन बेचारा लल्लन परेशान का परेशान है। अब देख मेरे पट्टे का कमाल, मारूंगा ऐसी उछाल कि कर दूंगा बवाल। मैं भी करूंगा भैया। तुम लोगों ने कभी मेले वाला कुआं देखा है क्या? पहले मैं उसी में मोटरसाइकिल चलाता था, आज फिर वैसे चला के दिखाता हूँ। वाह भैया, डर लग रहा है। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बहनों, वो ऊपर से क्या रहा है, भागो। ऐसे स्टंट करना तो मेरा रोज का काम है। अरे भैया, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ लल्लन की कोशिश जारी है और उसकी जुबान धीरे धीरे अंडे की तरफ जा रही है। लल्लन बहुत जोर लगा रहा है, जुबान को आगे बढ़ा रहा है। आखिरकार लल्लन की मेहनत रंग लाई, लेकिन ये क्या, मुर्गिया कहाँ से आ गई? मुर्गियों से तो बच गया, लेकिन इस मुर्गे के वजन से कैसे बचेगा? और ये मुर्गी ने अनजाने में लल्लन से अपना अंडा छुड़ाया और लल्लन टप्पा खाते हुए नीचे आया। लल्लन ने फिर से दौड़ लगाया, कभी चट्टान से तो कभी मुर्गियों से टकराया, लेकिन ये क्या, चट्टान ने तो फिर से लल्लन को हवा में उड़ाया और हवा में गोते खाते हुए हमारा लल्लन कबाड़ खाने में आया। अंडा तो निकल गया, डब्बा मिल गया। आइडिया। भैया टेंशन मत लो, मैं खींच लूंगा। बचा लिया, लेकिन मैं खुद नहीं बच पाया। यहाँ लल्लन ने दिमाग लगाया और पुराने कबाड़ का एक मीनार बनाया और मीनार पर चढ़कर खुद को अंडे के पास पहुँचाया। मीनार का बैलेंस बिगड़ रहा है और फिर से बैलेंस बना लिया। अब फाइनली अंडा उसके हाथ में आया है, लेकिन ये क्या, इस अलार्म ने तो बचकर पूरी मीनार को ही गिराया है और ये सब गिरे नीचे। अब यहाँ लल्लन के पैरों में एक चम्मच आया है और चम्मच का उसने स्केटिंग बोर्ड बनाया है। और ये लल्लन के हाथ में दूसरा चम्मच आया, उसने उस चम्मच से ही बैलेंस बनाया। ये फिट क्यों नहीं हो रहा? सब तोड़ दूंगा मैं, क्या करूं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। ये कैसे कर रहा है? ना मुझे देखा। अरे ये तो घड़ी है, किसी ने अलार्म चालू करके छोड़ दिया है। वो नहीं, दूसरी जगह देख। अरे ये तो लल्लन है, ऊंची गाड़ी चला रहा है। लगता है लल्लन को चम्मच वाली स्केटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए साथ साथ में स्टंट भी किए जा रहा है। और ये देखकर तीनों को मजा आ रहा है। ये तो मस्त चीज है, चलो अपन भी करेंगे। लल्लन को बड़ा मजा आ रहा है, स्टंट पे स्टंट किए ही जा रहा है, लेकिन ये लल्लन ने बड़ी जोरदार ब्रेक लगाई और ये अंडा गिरने वाला है, लेकिन अंडे को गिरने से बचा लिया। वाह, मैंने अंडा गिरने से बचा लिया, अब इसे आराम से खाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी गाड़ी चलाया तूने। अब चल हमारे साथ। लगता है इन सबके बीच रेस होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। रेडी? थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैं तो ऐसे घूम घूम के चलाऊंगा।
इन सब के चक्कर में रेस लगानी पड़ेगी। एक देखो बब्बन भाई का स्टाइल, अपने पैर पे मार लिया। सबने फुलोन रेस की तैयारी कर। बस कोई फायर बोल दे तो मजा आ जाए। ये क्या सोच रहा है, ये तो गुब्बारा ले आया है और फोड़ के खुद ही दौड़ गया। चलो हाँ चलो आगो। बिना गिनती के कौन रेस चालू करता है? यहाँ जबरदस्त रेस शुरू हो गई है। बब्बन आगे आगे चल रहा है। बब्बन ने खुद को उड़ाया, जुम्मन ने भी, फिर पुत्तन ने भी, लेकिन लल्लन ने खुद को उड़ाना सही नहीं समझा। अब पुत्तन बड़ी रफ्तार से नीचे जा रहा है, लेकिन ये क्या, लल्लन उससे आगे निकल गया। उससे आगे निकलेगा, निकल गया। अब रेस में बचे हैं सिर्फ तीन। यहाँ जुम्मन ने भी लल्लन को रोकने की कोशिश की और फिर ये भी गया काम से। बब्बन अब भी नंबर वन पर चल रहा है, लेकिन ये क्या, लल्लन तो उससे आगे निकल गया। ये मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा तू। ए, ए, रुक। अरे ये लोग भी आ गए। चारों तरफ से घेर लो, इस तरह ये नहीं जीत पाएगा। या। और ये क्या, ये तो तीनों आपस में गले मिल रहे हैं और ये चट्टान चकनाचूर। वाह मैं जीत गया, आइए अंडा भी मिल गया। I'm the winner! Yeah! Yeah! हमारा अंडा फोड़ता है, अब हम तुझे फोड़ेंगे। सॉरी मौसी, सॉरी।